हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी क्राफ्ट टेल्स विद मनीषा। दी क्राफ्ट टेल्स विद मनीषा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर आज होने वाली है पेंटिंग, वो भी पीपल लीफ के ऊपर। तो मेरे पास है पीपल लीफ स्केलेटन, और इसकी प्रोसेस जो है वो मैं पहले आप सभी के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि ये स्केलेटन हम कैसे ईजिली निकाल सकते हैं। और इसके ऊपर आज मैं पेंटिंग करने वाली हूँ कृष्णा का एक फेस जो बांसुरी के साथ है। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन केयरफुली हम करते रहेंगे तो बहुत ही आराम से हो जाएगा। तो इसके लिए मैं लूँगी एक्रेलिक कलर्स, पेंट ब्रश और फिर चालू। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने ये एक साइड फेस ड्रॉ किया हुआ है और उसके ऊपर मैंने थोड़ा पेंट किया है। स्लोली स्लोली सारे जो प्रोसेस हैं वो बहुत ही स्लोली स्लोली हम करते हैं। और ये है मेरे पास एक्रेलिक पेंट ब्रश, जिसकी हेल्प से मैं आउटलाइन कर रही हूँ। वन टाइम में ये नहीं होने वाला है, क्योंकि पीपल लीफ स्केलेटन बहुत ही सॉफ्ट होता है, और जब हम इसको उठाकर देखते हैं तो उसमें हमें पीछे से वो जाली जैसा दिखता है। तो ट्रांसपेरेंसी होने के कारण हमें इसके ऊपर बहुत सारी लेयर करनी पड़ती है। और ये पीपल लीफ के ऊपर है, तो इसको थोड़ा सा केयरफुली हमें करना होता है, बिकॉज ऑफ लीफ आपको पता है कि बहुत ही सॉफ्ट होती है और वो फट सकती है। तो इसके लिए मैं एक्रेलिक जो पेन है उसको यूज़ कर रही हूँ, और उसकी हेल्प से जो आउटलाइंस है, जो हाईलाइट करना है, वो सारा एरिया मैं ड्रॉ कर रही हूँ। जैसे आईज, नोज़, ये सब का शेप प्रॉपर दिखना चाहिए। तो उसको करने के बाद ही हम नेक्स्ट उस पर प्रोसेस करेंगे। एंड बाद में आप देखेंगे कि मैं इस पूरे से पीपल लीफ को, ये ऐसे देखने में आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा, अब मैं जब ये पूरा ड्रॉ कर लूँगी एरिया, सारे हाइलाइट्स कर लूँगी उनके फेस के शेप को, क्योंकि किसी भी फेस को ड्रॉ करना इजी है, बट अगर आप किसी लीफ के ऊपर कर रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट ऐसा नहीं कि नामुमकिन होता है, स्लोली स्लोली हम कर सकते हैं। एंड कई बार होता है, जैसे कि मेरे से यहाँ पर हो गया है, कि उसका फेस का जो शेप है नीचे का, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। तो उसको भी नेक्स्ट मैं कैसे पेंट से सही करूँगी वो आप यहाँ पर देखेंगे। और ये पूरा जो लीफ है उसको ब्लैक कलर का बैकग्राउंड देना है मुझे। ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर ये बहुत ही अच्छे से इन्हेंस हो जाएगा जो कृष्णा का फेस है। ये जो लीफ है पीपल स्केलेटन, इसके ऊपर हम बहुत ही केयरफुली पेंट करेंगे, एंड कई सारे लेयर्स के बाद ही ये इन्हेंस होके आएगा। सिंगल लेयर में ये इन्हेंस नहीं हो पाता है। और उसके बाद इस जो पूरी पेंटिंग है उसको हाईलाइट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं एक्रेलिक पेंस, जो आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं आपको, तो वो बहुत ही अच्छे से हेल्प करते हैं हमारी किसी भी पेंटिंग को और भी इन्हेंस करने में और ब्यूटीफुल बनाने में, आउटलाइंस करने में, और जितने भी शेड्स हैं, डार्कर, लाइटर, जो भी शेड्स आप करना चाहें वो उन पेन की हेल्प से आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो जहाँ पर हम बहुत सॉफ्टली ब्रश को नहीं यूज़ कर सकते हैं तो वहाँ पे हम पेन का यूज़ कर लेते हैं, और जहाँ पे ब्रश से यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे हम पेंट ब्रश से करते हैं। और आपको देखकर लग रहा होगा कि ये कितना सुंदर बन गया है, बट इसको बनाते बनाते एक प्रॉब्लम हो गई, और वो प्रॉब्लम मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो हुआ यूँ कि पेंट करते करते ये जो लीफ है ये नीचे में पेपर पे स्टिक हो गया है, और मैंने बहुत ट्राई किया कि ये अलग हो जाए, बट ये नहीं हुआ बिकॉज ऑफ मल्टीपल लेयर्स और जो ब्लैक कलर है वो। तो अगर मैं इसको निकालूंगी तो ये फट जाएगा। तो अभी मैं इसको ऐसे ही रहने देती हूँ, और आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बनके पूरा रेडी है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है पेंट होने के बाद। और इसको हम अलग अलग एंगल से देखेंगे तो इसके फेशियल एक्सप्रेशन अलग अलग तरह से हमको दिखाई देंगे, कहीं पे आईज क्लोज और कहीं पे आईज ओपन। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।